हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे और एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करते हो। तो काफ़ी दिन हो गए थे ना गाइस, जो कि मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाई और अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैंने कुछ बिस्किट्स दिए हैं बर्ड्स को खाने के लिए, जो कि मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी सारे बर्ड्स आ जाते हैं। और इधर बर्तन धो जा रहे हैं। ऐसे तो हम लोग रात को बर्तन धो देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, रात को अगर धोना नहीं होता है तो मम्मी मॉर्निंग में बर्तन धोती है। हमारे गार्डन की तरफ आप सभी को लेके जाते हैं। मैं थोड़ा सा वाटर देने वाली हूँ और देखिए बहुत सारा जंगल हो गया है फ्लावर्स के चारों तरफ, और जो पुराने फ्लावर्स लगे हुए थे वो सब भी मर गए हैं, लेकिन अभी छोटे छोटे फ्लावर्स के छोटे छोटे डाल अभी फिर से नए नए होके आए हैं, इसलिए साइड का जो जंगल निकला है उसको निकाल दे रही हूँ मैं। सभी फ्लावर के टब अभी साफ़ हो चुके हैं, मैंने सारा जंगल निकाल दिया है। पहले के फ्लावर सभी मतलब मुरझा चुके हैं। मैं अभी वेट कर रही हूँ नए फ्लावर्स के आने का। हम लोगों ने बेबी के लिए थोड़ा सा होली खेला। बेबी को होली खेलने का बहुत मन था, मतलब आस पड़ोस के बच्चों को देख के हमें भी बता रही थी इशारा करके अपने फेस में, मतलब दिखा के कि उसको भी होली लगाना है, तो इसलिए हमने भी थोड़ा सा होली खेला घर पे ही। तो चलिए चलते हैं भीतर। मैं अभी बनाने जा रही हूँ एक का भुर्जी, तो चलिए आप सभी को थोड़ा सा रेसिपी दिखाते हैं मैं एक का भुर्जी कैसे खाती हूँ विद टोमेटो। और मैंने ऑनियन डाल दिया है। ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैं अभी डालने वाली हूँ टोमेटो और साथ में हरी मिर्ची। और टोमेटो थोड़ा सा गल गया है तो अभी मैं यहाँ पे डालूँगी अंडा। मेरा एक का भुर्जी बनके रेडी हो चुका है और हमारा लंच भी तैयार हो चुका है। तो आज खाने में है भात दाल, फिर थोड़ा सब्जी और एक भुर्जी और है कुकुम्बर का सलाद। और मेरे खाना खाते ही एक पर्सल आ गया है फ्लिपकार्ट से, तो चलिए देखते हैं फ्लिपकार्ट से क्या पर्सल आया है मेरे लिए। सो एवरीवन, मेरे लिए आया है एक कुर्ती। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था लेकिन इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए मैंने फिर से रिटर्न करवा दिया है। सो गाइस, अभी ये इवनिंग का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, मंदिर भी जाएंगे और कुछ काम भी है, तो चलिए चलते हैं। सो हम लोग होटल आए हैं, यहाँ से लेंगे कुछ स्वीट्स और साथ में लेंगे समोसा। मम्मी ने बोला कि समोसा ज़रूर लेके आना, नहीं तो मम्मी से पिटाई होने वाली है, तो समोसा तो ज़रूर लेंगे हम लोग। और इसके बाद आए हैं हम लोग कॉस्मेटिक के दुकान में मेरे लिए कुछ कॉस्मेटिक सामान लेने के लिए। बेबी के लिए कुछ खिलौने, कलर्स और बैलून्स लेके आए हैं, तो वो बहुत खुश है। देखिए बैलून के साथ खेलना स्टार्ट हो गई। सो एवरीवन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें करनी है, तो पहला है लाइक, दूसरा है शेयर और तीसरा है सब्सक्राइब। So bye bye, take care and thank you so much for watching.